किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम पांच टॉप ऐसे इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो तना छेदक के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। बहुत ही अच्छा दवाई की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं जो तनाछेदक जो कीट आती है उसके जीवन चक्र के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जो तनाछेदक जो कीट आती है, जो इल्ली आती है, उसके जीवन चक्र लगभग 40 से 60 दिन की होती है। किसान भाइयों, डिस्प्ले में आप जो देख रहे हैं, जो कीट देख रहे हैं, वो जिसकी पंख है वो एडल्ट अवस्था होती है, मतलब ये एक वयस्क जो कीट होती है ये इस प्रकार दिखती है जिस प्रकार आप डिस्प्ले में देख रहे हैं। ये जो कीट है अंडे देती है, ये अंडे लगभग 7 से 8 दिन में लार्वा का रूप धारण कर लेती है। लार्वा का मतलब होता है कीट का धारण कर लेती है, मतलब इल्ली बन जाती है। जब ये 7 से 8 दिन में ये इल्ली बन जाती है तो ये लगभग 20 से 30 दिन तक हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती रहती है। और ये जब 20 से 30 दिन के बाद ये लार्वा जो है प्यूपा अवस्था में चले जाती है, और प्यूपा अवस्था में जाने के बाद ये 8 से 10 दिन बाद ये एडल्ट अवस्था में फिर से आ जाती है। तो इस प्रकार ये इसकी जीवन चक्र जो है चलती है। किसान भाइयों, लगभग जब एक जो है 8 से 10 दिन बाद जब फूटती है तो ये लार्वा या इल्ली का रूप धारण कर लेती है। किसान भाइयों, ये जो कीट आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये कीट जब अंडा देती है तो ये अंडा जो है पत्तियों पर देती है, और ये जो इल्ली जब उससे निकलती है तो ये लार की सहायता से जब पानी हमारी खेत की सतह पर भरी होती है तो ये वहाँ उस ये लार्वा जो है नीचे उतर जाती है लार की सहायता से, और ये हमारी जो तना या स्टेम होती है उसको छेद कर अंदर घुस जाती है। तो इस प्रकार इसकी जो जीवन चक्र होती है वो चलती है। और ये जो इल्ली अवस्था है, जब अंडा से निकल कर इल्ली बनती है तो ये इल्ली जो है पानी पर डूबती नहीं है, तैर कर सीधे हमारी जो धान की फसल है उसके स्टेम को छेद कर अंदर घुस जाती है और उसको खाने लगती है, जिससे जो मेन जो डाली होती है या स्टेम होती है वो सूख जाती है। जिस प्रकार आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, ऐसी लक्षण अगर आपके पौधों में दिख रही है धान की फसल में तो तनाछेदक का अटैक हो चुका है। इस प्रकार इसका नियंत्रण के लिए आज मैं आपको पांच ऐसे टेक्निकल नाम की जानकारी दूंगा जो आपके मार्केट में अन्य नामों से उपलब्ध होगी। इनमें से कोई भी टेक्निकल का उपयोग आप तनाछेदक के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 कीटनाशक की जो टेक्निकल नाम है उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। टेक्निकल नाम को आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद इस टेक्निकल नाम को ले जाकर दवाई दुकान में आप कोई भी दवा आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइफेंथ्रिन 10% ईसी जो आती है, ये पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इस टेक्निकल को आप लिख सकते हैं। इसकी जो ये जो टेक्निकल है वो तनाछेदक के लिए और लीफ फोल्डर के लिए, पत्ती लपेटक दोनों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है बाइफेंथ्रिन। दूसरे नंबर पर आप नोट कर सकते हैं किसान भाइयों, फिप्रोनील जो 5% जो बायर कंपनी की रिजेंट नाम से आती है या अन्य नामों से आती है, मार्केट में आप जाकर देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लेमडा साइलोथ्रिन जो है मार्केट में आपको अन्य नामों से मिल जाएगी। इस टेक्निकल का उपयोग भी तनाछेदक के नियंत्रण के लिए आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो इसके लिए आप कोरोजन नाम से जो दवाई आती है मार्केट में, वो तनाछेदक के नियंत्रण के लिए और लीफ फोल्डर दोनों के लिए नियंत्रण के लिए ये कारगर साबित हुई है। तो क्लोरेंट्रा नीलीफ्लोरिस की जो टेक्निकल नाम होती है कोरोजन, का उपयोग आप तनाछेदक के नियंत्रण के लिए और जो पत्ती लपेटक दोनों प्रकार के कीटों को नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो चौथे नंबर पर जो 505 की टेक्निकल आती है क्लोरपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन, इसका उपयोग तनाछेदक के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इनमें से पांचों जो टेक्निकल आती है, इनमें से कोई भी एक
टेक्निकल को आप लिख लीजिए और तना छेदक के नियंत्रण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपने पिछले टाइम कौन से इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का स्प्रे लिया था जिससे आपकी जो तना छेदक का नियंत्रण बहुत ही अच्छे रूप से या बखूबी अच्छे रूप से हुई थी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल में। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।